मैं यही कहना चाहूंगा सबको कि दिल से बोले गणपति बप्पा मोरिया। ये 14वां साल है, 14th ईयर, और मैं हमेशा 10 दिन के गणपति रखती हूँ। 11वें दिन हमारा विसर्जन होता है लास्ट डे पे, और हमेशा मेरी इच्छा बहुत थी जब मैं पंजाब में था कि गणपति लेके आए, लेकिन उतना पता नहीं था वहाँ पे। और मुझे याद है कि इस बार जब पहली दफ़ा मैं गणपति लेकर आया मुंबई में, तो बहुत लोगों का था कि बहुत रीति रिवाजों से करना होता है, इन्हों कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। तो इन 12 सालों में सब सीख भी लिया, और ये माना कि दिल में वो श्रद्धा होनी चाहिए और गणपति खुद ब खुद सब ठीक कर देते हैं। फिक्स रखे जब गणपति को घर पे लेके आते हैं, सुबह भी आरती करते हैं, शाम को भी आरती होती है, घर का प्रसाद बनाते हैं हम लोग सबके लिए। और एक 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 ऐसा लाइफ के, मैं कहूँगा कि 365 दिन में वो 11 दिन होते हैं जो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि 11 दिन कैसे बीते, और इसका सब लोग हम लोग बहुत इंतज़ार करते हैं। और आई थिंक गणपति बप्पा एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत सारी मिठाइयाँ साथ में लेके आते हैं, बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं, और जो भी हम लोग अपनी फिटनेस के लिए ध्यान रखते हैं कि मीठा नहीं खाना, आई थिंक गणपति बप्पा के वो 11 दिन सब कुछ भूल जाते हैं और कैलोरीज का ध्यान नहीं रखा जाता। एक तरह की दिवाली जैसा माहौल रहता है कि आप हमेशा इंतज़ार करते हैं उन दिनों का, कि जब हर रोज़ उठ के आपको लगता है कि आज कुछ नया जिंदगी में करना है। एक ऐसा वातावरण घर पे रहता है कि गणपति है घर पे, ऐसा लगता है कि एक नया मेंबर है जो हमेशा 10-11 दिन के लिए घर पे आता है हर साल, और आपको उसका पूरा ध्यान रखना है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि उस दौरान शूटिंग ना करूँ और वक्त निकालूँ। इस बार भी मैं शूट कर रहा था पुणे से, कल रात को ही आया मैं, क्योंकि आज गणपति है घर पे। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को बोलता हूँ कि गणपति ज़रूर लेके आए घर पे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने बहुत बदलाव देखे हैं गणपति बप्पा को घर पे लाने के बाद, और मैं यही कहूँगा कि सबको गणपति घर पे ज़रूर लेके आने चाहिए, और तब आप यू कैन फील द मैजिक ऑफ गणपति। डेफिनेटली आई वुड से कि हर साल जिंदगी के नए पड़ाव जो हैं उनको तय कर पाए हैं। जब मैं इस शहर में आया था तब किसी को नहीं जानते थे। आई स्टिल रिमेम्बर जब पहली दफ़ा गणपति लेकर आया था, तो हम लोग 7 लोग एक ही वन रूम किचन में रहते थे, पेइंग गेस्ट थे, और एक अलग जुनून था गणपति बप्पा को घर पर लेके आने का। और फिर हर साल जिंदगी में भगवान ने वो तरक्की बख्शी और गणपति बप्पा ने वो सब कुछ दिया जिसके लिए मैं शहर में आया था। तो मेरी जो मान्यता है गणपति के ऊपर वो बहुत स्ट्रांग है। तो यही कहूँगा कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत ज़िंदगी में हासिल कर पाए गणपति बप्पा के कारण ही हो पाए।